जेल तो रिहा होने तो बाद पत्रकार मनदीप पुनिया वालों हुण बयान जड़ा है सामने आया। दस दिए कि पत्रकार मनदीप पुनिया नूं गिरफ्तार कर लिया गया सीगा और उसने हुण जेल तो रिहा होने तो बाद उस वालों बयान सामने आया तो उसने कहा कि मैं तिहाड़ जेल विच रिपोर्टिंग की है। मनदीप पुनिया ने अपने आप दे नाल जो भी बीती उसके बारे जानकारी दिंदा कहा कि जिथे वह रहा तिहाड़ जेल च उतों की रिपोर्टिंग की, जेल च बंद किसानों की रिपोर्ट छापण की गल भी उसने कही। उसने अपने बयान च कहा कि जिथे जिथे पुलिस ने डांगा मारिया उते ही रिपोर्ट लिखी। मनदीप पुनिया ने किसानों उत्ते हुए हमले बारे दिल्ली पुलिस से सवाल चुके सन जिस तों बाद उसनूं काबू करके गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजता गया सीगा और हुण रिहा होने तों बाद उस वालों यह बयान सामने आया है। तो उसने इस अपने बयान च साफ किया है कि मैं तिहाड़ जेल विच रिपोर्टिंग की है, जेल च बंद किसानों की रिपोर्ट छापण की गल भी मनदीप पुनिया ने कही है। उसने कहा कि जिथे जिथे पुलिस ने उसनूं डांगा मारिया उते ही रिपोर्ट लिखी है। मनदीप पुनिया ने किसानों से हमले बारे दिल्ली पुलिस से सवाल चुके सन जिस तों बाद ही उसते सख्त कार्रवाई करदे होया उस नूं गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा गया सीगा। नोट लिख के लेके आया हूं अपनी पत्रकारिता आगे, वो ये लिख के लेके आया हूं, इसमें मैंने किसानों के नाम है, किसानों के नाम है ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। वो इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं कल रिपोर्ट कर पाऊँ अपनी। ये मेरे रिपोर्टिंग नोट्स हैं, नोट्स लिख के लेके आया हूँ अपनी पत्रकारिता आगे, वो ये लिख के लेके आया हूँ, इसमें मैंने किसानों के नाम है, किसानों के नाम है ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। वो इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं कल रिपोर्ट कर पाऊँ अपनी। ये हम इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए और जो जेल में उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेके आया हूँ और वो आप लोगों के सामने कल मैं जरूर रखूंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीजन ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहां पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूंगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट करना होता तो मैं यार्ड में था, वहां से भी मैंने रिपोर्ट की किया। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको थोड़ा उसको हमें आगे लेके जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे।